Good afternoon, students, and welcome to online lecture of Sharadi Morenglish School. So today I'm going to teach you history 8th chapter, history and trade, industry and trade. Okay, so in this chapter we are going to gather some information about industry and trade. Yes, so in this chapter what we are going to learn, we are going to learn about the industry and trade of our country. Means हमारी country में कौन कैसे industry start हुई है और कैसे trade start हुआ है और कैसे trade कर रहे हैं still. तो इसके बारे में हम information collect करेंगे through this chapter. Okay. और वो भी कब से, आफ्टर मीन्स पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद से. आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश इन 1948 विद द पर्पज ऑफ मेकिंग अवेलेबल लॉन्ग टर्म लोन्स टू इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट. यस यस सो यर means after the independence, means after 1947 the Indian Finance Corporation of India was established. Okay, means ये जो corporation था Industrial Finance Corporation, ये established हुआ था हमारी country में in the year of 1948. And what was the main purpose of this, मतलब ये अब जब start हुआ था इसका main purpose क्या था. ये जो long term जो loan होते हैं, जैसे जो बड़े बड़े industrial project बनाते हैं, तो उन लोगों को loan देने के लिए ये start किया गया था. Okay. सिमिलरली द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वॉज इस्टेब्लिश इन 1954. अब उसी तरीके से जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी इस्टेब्लिश हुआ था, जैसे पहले क्या इस्टेब्लिश हुआ था इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन, है ना, तो वैसे ही क्या इस्टेब्लिश हुआ है, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश हुआ था इन 1954 इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट ग्रेटर डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर. अब जब पहले जो स्टार्ट हुआ था फाइनेंस कॉरपोरेशन, तो वो किस चीज़ के लिए स्टार्ट हुआ था, जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है तो उनको लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म में लोन प्रोवाइड करने के लिए स्टार्ट हुआ था. अब सेकेंडली जब ये स्टार्ट हुआ है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो जब स्टार्ट हुआ है तो इसका क्या मेन पर्पज था, फॉर द मीन्स फॉर द ग्रेटर डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर. जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वहाँ पे ग्रेट अमाउंट में डेवलपमेंट लाने के लिए ये स्टार्ट किया गया था. ओके, नाउ सम इंडस्ट्रीज इन इंडिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर्म 14% ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. यस, अब जो मतलब फर्स्टली जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फॉर्म हुई थी, तो 40% जो उसका प्रोडक्शन था वो कैसा था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था. ओके, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती थी, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर्म 14% ऑफ टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मतलब वो क्या फॉर्म कर रही थी, 14% टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर्म कर रही थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री. इट इंक्लूड द पावर लूम एंड हैंडलूम इंडस्ट्रीज. अब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो उसमें कौन सी इंडस्ट्री आती थी, पावर लूम और हैंडलूम, ये वाले इंडस्ट्रीज आती थी. ओके, द हैंडलूम इंडस्ट्रीज आर लेबर इंटेंसिव. अब जो हैंडलूम इंडस्ट्रीज होती थी तो वो किसके ऊपर चलती थी, लेबर के ऊपर, मतलब उधर वर्कर्स होते थे, है ना. अकॉर्डिंग टू द टेक्सटाइल कमेटी एक्ट 1963 अ टेक्सटाइल कमेटी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड. यस, सो अकॉर्डिंग टू द टेक्सटाइल कमेटी एक्ट 1963, जो टेक्सटाइल कमेटी की जो एक्ट थी 1963 की, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग क्या था, जो टेक्सटाइल कमेटी थी वो इस्टेब्लिश की गई थी. दिस कमेटी सेट्स द क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर फॉर सेल इन द इंटरनल मार्केट एज वेल एज फॉर एक्सपोर्ट. यस, अब इसके थ्रू क्या होता था, ये क्या देखते थे, क्वालिटी देखते थे, क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर, मतलब जो प्रोडक्ट और जो भी चीज़ें वो मैन्युफैक्चर कर रहे थे वो उसकी स्टैंडर्ड क्वालिटी देखते थे, ताकि वो उसको अच्छे से सेल कर सके इन द इंटरनेशनल इंटरनल मार्केट. फर्स्टली जो हमारी कंट्री का मार्केट है वहाँ पर उसको सेल कर सके, प्लस एक्सपोर्ट भी कर सके उसको अदर कंट्रीज में. नाउ सिल्क इंडस्ट्री, दिस इंडस्ट्री फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल. अब ये जो इंडस्ट्री थी ये किसके अंडर में वर्क करती थी, किसके अंडर में फंक्शन करती थी, मिनिस्ट्री की अंडर में फंक्शन करती थी. ओके, इंडस्ट्री, दिस इंडस्ट्री मीन्स जो सिल्क इंडस्ट्री थी, है ना, दिस इंडस्ट्री फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल. द रिसर्च अबाउट स्पीसाइज ऑफ द सिल्क वॉर्म एंड मलबरी ट्रीज इज डन टू द सेरेबियोटिक रिसर्च लेबोरेटरी इन बेंगलोर. यस, अब यहाँ पे वो किस चीज़ के ऊपर रिसर्च करते थे, जो सिल्क वॉर्म के होते थे ना, सिल्क वॉर्म, स्पीसाइज ऑफ द सिल्क वॉर्म और मलबरी ट्रीज, उनके ऊपर वो रिसर्च करते थे. ओके, जो कि कहाँ पे, सेरेबियोटिक रिसर्च लेबोरेटरी में, जो बेंगलोर में सिचुएटेड है. दिस
ऑयल इंडस्ट्री इज प्राइमरली इन द स्टेट्स ऑफ कर्नाटक, और यही जो इंडस्ट्री है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, स्टेट लाइक कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, मतलब यहाँ पर भी ये सिचुएटेड है इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री? जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर करती है, ओके, मीन्स जो सिल्क फॉर्म से और मलबरी ट्री से। वेस्ट बंगाल, सॉरी, नाउ इट इज बीइंग स्प्रेड इन स्टेट विद प्रेडोमिनेंटली ट्राइबल पॉपुलेशन। यस, अब मतलब अभी के पीरियड में ये जो है ये कहाँ पे स्प्रेड हुई है, इन द स्टेट विद प्रोडोमिनेंटली ट्राइबल पॉपुलेशन, मतलब जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन है वहाँ पर भी स्प्रेड हुई है। ओके, मतलब ये जो सिल्क इंडस्ट्री है तो वो फर्स्टली कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, मतलब पहले जो सिल्क वाम और मलबरी ट्रीज का जो जो मतलब रिसर्च की गई थी सिल्क वाम और मलबरी ट्रीज को लेके, तो वो बेंगलुरु में हुई थी लाइब्रेरी में ना। फिर ये दिस इंडस्ट्री इज प्राइमरीली इन दिस स्टेट, मतलब फिर ये जो इंडस्ट्री थी सिल्क इंडस्ट्री वो कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और जम्मू कश्मीर कश्मीर में स्टार्ट हुई थी। फिर बाद में जाके वो जो ट्राइबल जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन है वहाँ पर भी स्टार्ट हुई थी। नाउ नेक्स्ट वन इज जूट इंडस्ट्री। ओके, इंडिया इज द टॉप रैंकिंग कंट्री इन जूट प्रोडक्शन। यस, इंडिया जो है, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो एकदम टॉप पर है, मीन इंडिया इज अ टॉप लिस्टेड कंट्री इन द प्रोडक्शन ऑफ जूट, मतलब यहाँ पे हमारी कंट्री में जो जूट का प्रोडक्शन है वो बहुत ही लार्ज अमाउंट पर होता है। इंडिया इज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ जूट प्रोडक्ट। इनफैक्ट हमारी कंट्री से हमारा ऐसा कंट्री है जो क्या एक्सपोर्ट करता है, जूट लार्ज क्वान्टिटी में एक्सपोर्ट करता है टू द अदर कंट्रीज, जूट प्रोडक्ट अलाउ करता है, एक्सपोर्ट करता है। ओके, वी गेट क्लोथ, सैक क्लोथ एंड रोब्स फ्रॉम जूट। यस, नाउ वॉट वी आर गेटिंग फ्रॉम जूट, अब हम लोग को जूट से क्या क्या मिलता है, क्या क्या बनाते हैं हम लोग जूट से, क्लोथ, क्लोथ भी बनाते हैं और सैक, गोनी बनाते हैं, जब जो जो राइस और वीट ये सब जो पल्सेस वल्सेस होते हैं ये स्टोर करते हैं हम लोग जिसके अंदर। सो क्लोथ, सैक क्लोथ, रोप्स, ये सब जूट से बनते थे। ओके, बनती है। नाउ